Watch out! तो आज मैं अपना गेम प्ले बनाने जा ही रहा था कि उसी टाइम पे रितेश मतलब बंदूकबाज मेरे पास आता है और बोलता है कि चल मैं भी खेलूंगा और आज तेरे लिए एक चैलेंज है। अब वो चैलेंज क्या है वो मैं आप लोग को वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन भाई साहब वो चैलेंज लिटरली नाक में दम करने वाला चैलेंज था। अब वो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। दो चैलेंज दिया इसने एक साथ मुझे। पहला चैलेंज तो ये था कि भाई साहब यहाँ पे हम दोनों में से कौन ज्यादा किल्स कर पाता है। तो यहाँ पे हम दोनों तो लग गए भाई किल्स करने में। मैंने एक बंदा मारा, उसने भी ग्रेनेड से एक बंदा नॉक कर दिया और उसके बाद मैंने सीधे भाई इन बंदों पर कर दिया रस। अब ये बंदे बगल वाली बिल्डिंग में बैठे हुए थे बड़े ही आराम से। तो मैंने यहाँ पे भाई अपना 69 IQ लगाया और सीधे बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप करके गया। लेकिन भाई यहाँ पे ये बंदा मेरी इस टेक्निक को जानता था और भाई वो जैसे यहाँ पे आया मैं सीधे नीचे जंप करके आया और उसके बाद अब सीधे इस बंदे पे कर दिया मैंने रस। तो पहला वाला जो चैलेंज था वो तो चलो ठीक है यार, किसके ज्यादा किल्स होंगे मिस्टर साइबर स्क्वाड वर्सेस बंदूकबाज में ये तो चलता है। लेकिन जो दूसरा वाला चैलेंज है ना कि भाई इसमें मेरे किल्स उससे कैसे ज्यादा होंगे, दूसरा वाला चैलेंज जो मैं आपको चलो वीडियो के बीच में बता दूंगा। तो आप लोग अच्छा नोटिस करो कि दूसरा चैलेंज क्या हो सकता है, मुझे कमेंट्स में बताओ। जरा मैप के आसपास देखना आपको पता चल जाएगा कि वो दूसरा चैलेंज आखिरकार है क्या। अटैक द मार्क। अब यहां पे जिस बंदे को मैंने नॉक किया उसका तो मुझे किल मिल गया, वो छत से जंप किया था। लेकिन यहां से भी एक बंदे के फुट्स आ रहे थे मुझे। और ये बंदा यहाँ पे नॉक पड़ा हुआ था ऑलरेडी भाई। तो यहाँ पे मेरे अकाउंट में कुछ ज्यादा ही किल्स आ चुके हैं। तो भाई इसी बात पे गाइस एक लाइक तो बनता है। और मेरे को पिछली वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि भाई यार अपना लाइक एम सुधारो, थोड़ा लाइक एम और ज्यादा रखो। तो यार लाइक एम आप लोग कंप्लीट ही नहीं करवा रहे हो आखिरी की कुछ वीडियो से, तो यार ज्यादा लाइक एम नहीं रखते हैं। लाइक 24,000 करवा दो यार, 24,000 लाइक्स करवा दो। अब उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे थे, उसी टाइम पे मुझे पीछे इस घर में एक बंदा स्पॉट हुआ। और अब यहाँ पर कवास आप लोग सीन देखो भाई, क्या ही फाइट होगी यहाँ पे। मैंने ग्रेनेड खोला, वो बंदा सामने खड़ा हुआ था, जैसे मैंने ग्रेनेड फेंका वो बंदा पीछे भाग गया। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे पता चलता है कि भाई वो बंदा अकेले नहीं है, इसके साथ साथ इसके टीममेट भी हैं। एक तो थ्री स्टोरी में बैठा हुआ था और एक बंदे के फुट्स मुझे यहाँ से आ रहे थे, मैंने अपने टीममेट्स को बताया। अब यहाँ पे आप लोग ना इस बंदे को बस देखना आप लोग कि ये बंदा एक्चुअली में पीछे जाके बैठा कहाँ पे रहेगा, मतलब एकदम से दिल धड़क जाएगा, मिनी हार्ट अटैक होता है ना वो आने वाला। तो यहाँ मैंने एक स्मोक किया सबसे पहले, तो ये इसे लगा मैंने ग्रेनेड किया तो डर के पीछे भागा, उतने मैंने कर दिया रस। अब यहाँ पे मेरे टीममेट ने कॉल दिया घर के अंदर है, यही सोच के मैं आया। अब देखो भाई मेरे सामने बैठा हुआ था बंदा, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ था, घर के अंदर, तो मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल और उतने में भाई यहाँ पे बंदूकबाज किल निकाल लेगा। लेकिन अभी भी हम लोग लीड में चल रहे हैं गाइस, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आना भाई तो ओपी है ऑलरेडी। तो एक बार सब लोग ना चैट में ओपन द चैट कर दो जल्दी जल्दी सब लोग और लाइक कर दो। अब लास्ट बंदा जो बचा हुआ था वो था यहाँ पे थ्री स्टोरी में, मैंने यहाँ पे ग्रेनेड खोला
लेकिन मुझे ऊपर से उस बंदे की फुट्स आ रहे थे, यहाँ पे देखा तो भाई खिड़की ही बंद थी, मतलब खिड़की है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे ग्रेनेड का पिन खींचा और ग्रेनेड का पिन खींच के सीधे ये बंदा यहीं पे बैठा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे किया ग्रेनेड और उसके बाद हम लोग सीधे कर देते हैं इस बंदे पे रस। और भाई रितेश यहाँ पे स्टन ग्रेनेड कर रहा था और उतने में तो मैं घुसा और यहाँ पे इस बंदे की पेटी बना दी। अब हमारे हो चुके हैं 6 किल्स, रितेश के हैं अभी 2 किल्स। सामने की तरफ बॉट फायर कर रहे थे लेकिन भाई उस बॉट को मार मूर के हम लोग वहाँ से निकलते हैं एंड उसके बाद यहाँ से जा ही रहे थे कि राइट में गिरा था ड्रॉप और उसी टाइम पे लेफ्ट में एक US दिखी हमें। तो मैं यहाँ पे भाई रितेश को बोलता हूँ बंदूकबाज को, भाई क्या कर रहा है, यहीं से मार देगा क्या, जल्दी से चल गाड़ी चला, उनके पीछे चलते। लेकिन अब जैसे हम लोग इन लोगों पे, इन एनिमीज पे भाई धप्पा बोलेंगे ना, वैसे भाई यहाँ पर का सीन देखना क्या ही गलत सीन होने वाला है। यहाँ पे एक्चुअली कुछ और ही निकलते हुए, पीछे स्कूल में फ्लेयर भी चली थी, मैं फ्लेयर पे मार्क भी कर रहा था। अब देखो हम लोग सीधे यहाँ पे आए, सामने की तरफ से हुआ फायर, अब भाई मैंने जैसे इस बंदे को नॉक किया पता चला कि ये जंप कर रहा था, तो मैंने भी उसे जंप करके बताया कि भाई ठीक है हम जा रहे हैं, और इतने में भाई रितेश ने इसको फिनिश ही कर दिया। तो उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, सॉरी भाई यार, सॉरी सॉरी। और उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे थे इन बंदों को भाई बोल के कि हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे जंप करके हम निकल गए, लेकिन उसके टीममेट को हम लोगों ने कर दिया था फिनिश। तो अब यहाँ पे भाई सीन कुछ ऐसा होने वाला है कि हम जा रहे थे फ्लेयर पे और इन बंदों ने कर दिया हम पे फायर। अब हमने इनके टीममेट को नॉक फिनिश डाल दिया, शायद इसलिए कर रहे हो फाइट, लेकिन यहाँ पे अब इनको लेनी थी फाइट, तो हमने कहा चलो भाई लेते हैं फाइट। लेकिन यहाँ पे ये बंदा अभी भी जंप कर रहा था और इसका जो टीममेट था वो लेना चाहता था फाइट। तो भाई जो बंदा फाइट लेना चाहता था उसको हमने फाइट दी और उसकी ग्लेशियर की पेटी बना दी। अब उसके बाद यहाँ पे जो बंदा जंप कर रहा था उसके पास हम लोग गए, भाई देखो ओपन में लूट रहे हैं उस बंदे पे इतना ट्रस्ट करके, क्योंकि वो जंप कर रहा था। तो प्लीज़ जो लोग भी मीटअप करने आओ तो यार स्कैम मत किया करो। अब उसके बाद उन बंदों से मीटअप करके हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फ्लेयर चली थी और यहाँ पे तो भाई जो लाशें गिरी हुई थी चारों तरफ, तो मैंने कहा कि सीधे आओ बड़ी वाली बिल्डिंग पे चलते हैं, वो गाड़ी डैमेज थी तो उसको वहीं पे छोड़ा हम लोगों ने। लेकिन जैसे यहाँ पे आते हैं भाई पीछे एक बंदा ऑलरेडी घात लगा के बैठा हुआ था और यहाँ पे तो भाई मरते मरते बचा मैं। रितेश की भी HP देख सकते हो, एकदम 1 HP में बचा है और मेरी भी 0.5 HP हो गई थी। अब यहाँ पे मेरे टीममेट्स ने ग्रेनेड बसाना चालू कर दिए, ऊपर की तरफ बंदा था जिसके एक ही बंदे के फुट्स आ रहे थे, मैंने यहाँ पे हील किया, ऊपर बंदा था और सीढ़ियों से आ रही थी आवाज, मैंने ग्रेनेड खोला। अब ये ग्रेनेड आप लोग बस देखो, 3, 2, 1 एंड बूम। तो गाइस इसी बात पे लाइक तो बनता है, जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दो। तो ये अपार्टमेंट वाले बंदे की तो पेटी बन गई, लेकिन अभी भी जो जिस बंदे ने पीछे से हमें भाई सरप्राइज मदरफक किया था, तो अब बारी थी उस बंदे की बजाने की। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी कि वो बंदा अभी भी यहाँ पे है, इसके साथ कितने बंदे हैं, कहाँ कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता था। अब दूर से इस बंदे ने भाई मेरे पे फायर किया मिनी का, मैंने इसे भाई M4 के जहर स्प्रे से नॉक किया। अब उसके बाद इसका टीममेट नीचे से स्प्रे करता है अपने टीममेट को कवर देने के लिए। वेक्टर वाला इमोट कर दो और इसी के साथ ये बंदा भी हो गया नॉक। अब उसी टाइम पे भाई रितेश गया मारने इस बंदे को और भाई साहब गलत ही सीन हो गया, इस बंदे ने बंदूकबाज को कर दिया नॉक एंड फिनिश। अब भाई अपने टीममेट का, भाई अपने दोस्त का बदला लेना तो बनता है। तो सबसे पहले तो मैंने इस वाले नॉक बंदे को फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे सामने वाली टीम के 3 बंदे मैंने नॉक कर दिए थे, ऊपर चढ़ के मैंने मारने को ट्राई किया, उसी टाइम पे भाई स्कूल से क्या ही पड़ी मुझे, मैं सीधे भाई नीचे आया, मैंने बोला भाई ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं, नीचे बैठ के हील करते हैं, और इस वाली खिड़की से करने लगा बंदे को स्पॉट। तभी सामने पेड़ के पीछे बंदा भाग के आया,
अब यहाँ पे रितेश बताता है मुझे कि उस बंदे ने भाई उसे एक ही से नॉक मार के फिनिश कर दिया। तो हम लोगों को लगा कि भाई बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है या फिर कुछ सस्पिशियस है, तो एक्चुअली में बंदा बहुत अच्छा ही खेल रहा था। वेट किया हम लोगों ने, थोड़ा सा पीक करने का वेट किया। अब ये बंदा गया अपने टीममेट को बचाने, तो ये नॉक वाला बंदा फिनिश हो गया। लेकिन इस नॉक वाले बंदे के पास इसका टीममेट लेट गया या फिर भाई यहीं पेड़ के आसपास, ये तो कंफर्म था। तो यहाँ पे इस बंदे की पीछे वाले की तो भाई पूरी की पूरी टीम नॉक हो चुकी थी, सिर्फ लास्ट बंदा बचा था। तो हम लोगों ने कर दिया इस बंदे पे सीधे रस। और ये भैया पता नहीं कहाँ पे देख रहे थे भाई, इतना तगड़ा स्प्रे दे के भाई नॉक फिनिश डाल दिया रितेश को। लेकिन भाई उसके बाद यहाँ पे इसकी भी बन गई पेटी, और वो क्लच कंप्लीट करने के बाद हम लोग जोन इन करते हैं, क्योंकि भाई जोन इन करना ज़्यादा जरूरी था। और उसके बाद जोन इन करके यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा वेट करने का फैसला लिया, क्योंकि अभी जोन टच होने वाला था, जोन टच होते ही हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। लेकिन सामने की तरफ भाई हमारी टेस्ला खड़ी हुई थी, और उसी टाइम पे मुझे घर के अंदर एक गिली वाला बंदा स्पॉट हुआ। Attack the mark. मैंने ट्राई किया कि इसे डैमेज करूं, लेकिन भाई ये बंदा पीक देने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब भाई साहब वहां सामने एक अलग स्क्वाड आ गई और दोनों के बीच हो गई फाइट। मैंने यहाँ पे अपने टीममेट को बोला जल्दी कर, जल्दी से आके बैठ, जल्दी से थर्ड पार्टी करते भाई और फुल मजे लेंगे। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे आए भाई एक स्क्वाड हो चुकी थी वाइप आउट, और वो बंदे गिली वाले अभी भी जिंदा थे आई थिंक सो। मैंने अपने टीममेट को बोला कि तू गाड़ी लेके घुमा, लेकिन भाई ये बंदों ने निकलने का नाम नहीं लिया, तो हम लोग को मजबूरी में अपनी जगह पे वापस आना पड़ा, क्योंकि ये कैंप कर रहे थे। अब उसी टाइम पे भाई एक डासिया आती यहाँ पे, तो भाई मैं सीधे डासिया के पीछे जाता हूँ। पहले तो मैंने फायर नहीं किया, कहीं ये डासिया वाला भाग के कहीं और ना चला जाए। और जैसे ही ये डासिया वाला गया हिल पे, मुझे पता था कि ये जोन के कोने में जाके लेट जाएगा, और हम लोग भाई अपनी निकल पड़े गड्डी लेके। अब भाई यहाँ पे जैसे आए डास्टिया तो दिखी, लेकिन इसके साथ साथ अभी आप लोग देखना एक और अमेजिंग चीज़ देखने के लिए मिलेगी, मतलब एकदम दिमाग माइंड ब्लो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आए मेरे टीममेट ने बंदे को स्पॉट किया। अब जैसे ही हम लोगों ने इस बंदे को फिनिश किया, एक मैकलैरन वाला बंदा आ गया और एमके की आवाज सुन के तुरंत ही मैकलैरन के पीछे लेट गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है गाइस, जिसे देख के आप लोग का दिमाग हाथ पैर शरीर सब हिल जाएगा। अब सामने बंदा लेटा हुआ था, मैंने रितेश को बोला कि देख मैं इस बंदे को मौली से मारूंगा, मगर पेटी बनेगी इसकी ग्लेशियर की। अब देखो आप लोग, मैंने देखो मौली से मारा इस बंदे को, लेकिन एक्चुअली में आप लोग यहाँ पे देखो पेटी किस चीज की है। ये देखो यहाँ पे रितेश मेरे से पूछ रहा बंदूकबाज कि भाई क्यों बना, तूने तो M4 चलाई भी नहीं। तो आप में से कितने सारे लोगों को पता है कि यहाँ पे ग्लेशियर की पेटी क्यों बनी, मुझे कमेंट्स में बताना। देखते हैं कि आप में से किन किन लोगों को पता है। मैंने मारा उसे मौली से, लेकिन बनी उसकी पेटी ग्लेशियर से, तो इसे बोलते हैं मौली ग्लेशियर मैक्स आउट। तो यहाँ पे रितेश ने भाई कैलकुलेशन चालू कर दी, और मैंने रितेश को समझाया कि वहाँ पे ग्लेशियर की पेटी एक्चुअली में क्यों और कैसे बनी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना कि क्यों। अब भाई इस बंदे ने यहाँ पे इसको मेरे टीममेट को क्या ही AWM का फटका दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे तो अपने टीममेट को हील करते हैं, और क्या ही मैंने M4 का स्प्रे दिया उसको, वो भी वहाँ पे नॉक हो गया। अब कुछ ही बंदे बचे हुए थे, सबसे पहले मैं अपने टीममेट को हील करता हूँ जल्दी से। और रितेश अभी भी भाई कंफ्यूज पड़ा हुआ था कि भाई वो मौली से मर के कैसे ग्लेशियर की पेटी बनी। अब यहाँ पे इस बंदे को मैंने नॉक फिनिश कर दिया। ये बंदा ओपन में आ रहा था, तो मैं समझ गया कि इसके टीममेट यहाँ पे नहीं है, और इसके टीममेट ने दे दी है रोटेशन। और भाई मेरा गेस बिल्कुल सही निकला, बंदे ऑलरेडी पहुंच चुके थे पत्थर के पीछे। अब ये लेट के धीरे धीरे भाई पत्थर के पीछे आ रहा था अपने टीममेट के पास, लेकिन भैया ये सांप को तो मैंने डस लिया M4 ग्लेशियर से। अब उसके बाद सीधे मैं यहाँ पे कर देता हूँ रस, और मैंने यहाँ पे ट्राई किया पूरा का पूरा रेड जोन बना के इस बंदे को फिनिश करने का, लेकिन भाई किस्मत देखो इस बंदे की, एक ग्रेनेड फटा
दूसरा ग्रेनेड फटा, ये गया तीसरा ग्रेनेड, एंड ये गया यहाँ पे चौथा ग्रेनेड। भाई चारों के चारों ग्रेनेड से ये बंदा बच गया। उसके बाद अपनी वही पुरानी स्ट्रेटजी अपनाई हम लोगों ने, मैंने बोला विक्की गाड़ी लेके घुमा जल्दी से, और अब ये बंदा गया गाड़ी पे और बस यहीं पे इसकी यहाँ पे बन गई पेटी। तो आप लोग को आज का ये गेम प्ले कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताना जरूर। तो पहला चैलेंज तो ये था कि भाई मेरे और रितेश में बंदूकबाज में किल कौन सबसे ज़्यादा करेगा, तो वो तो रितेश तो मर गया तो वहीं पे मैं जीत गया। और दूसरा चैलेंज ये था कि मुझे 10 किल होने तक अपना माइक बंद करके रखना है, बिल्कुल ओपन नहीं करना है, मतलब कि भाई मैं इन लोग को कुछ भी कॉल नहीं दे सकता था। तो आप लोग को आज के गेम प्ले कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताना जरूर। जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन साइन आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।